हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द IBPS गाइड। दिस इज़ पार्ट नंबर 52 फ्रॉम द डाटा इंटरप्रिटेशन सीरीज़। तो आज देखेंगे हम मिक्सर एंड एलिगेशन के ऊपर एक DI जो कि आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए आप IBPS गाइड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और बाकी मॉक टेस्ट एंड क्विजेज़ के लिए आप IBPSguide.com पर जाके वहाँ पर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज़ लगा सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस एंड आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं, और आज देखेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन। ओके, तो देखिए क्या क्या गिवन है, इधर पे पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट प्रेजेंट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ मिक्सर एंड मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 8 कंटेनर। तो ये जो है ये मिक्सर किसका किसका है, मिल्क एंड वाटर का है, मिक्सर है मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सर है, वो कितने कंटेनर है, 8 कंटेनर है, A2H, 8 कंटेनरों का। ये ए है और इधर से ऐसे चालू करके ये इधर पे एच खत्म है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें कंटेनर में क्या है, मिल्क एंड वाटर है। ठीक, और क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन ऑल द 8 कंटेनर इज 3000 लीटर, यानी इसकी जो कैपेसिटी है पूरी टोटल की वो कितनी है, 3000 लीटर। तो मुझे निकालना पड़ेगा कि ए कंटेनर में कितना है, बी कंटेनर में कितना है, सी कंटेनर में कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मुझे ये चीज़ें निकालना ही है तो मैं इधर पे लिख लेता हूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये होगा टोटल कंटेनर। इधर पे लिखूँगा मैं इनको टोटल, जो इसमें टोटल इनकी क्वांटिटी आएगी, और इधर पे लिखूँगा मैं मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी लिखूँगा इधर पे। ठीक है, इधर पे मिल्क की, इधर पे वाटर की। ठीक, तो देखो देखते हैं, सबसे पहले मैं आता हूँ ए पे, और ए से सबसे ए से सरल है ये 10%। तो 10% किसकी वैल्यू है, एच की। तो 10% इसका कितना हुआ, 300। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 300। पहले मैं इधर लिखता जाऊंगा, फिर फेयर में इधर लिखूंगा जो आगे क्वेश्चंस में काम आती है। तो 10% की अगर 300 हो गई, तो 5% की कितनी होगी, जस्ट हाफ। 300 का हाफ कितना होता है, 300 का हाफ होता है कितना, 150। तो ए 150 आ गया। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन देखता हूँ, दिस इज 15%, यानी दिस और इसका प्लस 15% किसकी वैल्यू है, ई की। तो ई वैल्यू कितनी होगी, 450 हो गई। क्लियर है, कौन कौन से होगा उसको मैं सर्किल मार देता हूँ। ठीक, फिर मैं देखता हूँ क्या, 16% कितना है, जस्ट 15% का 1% ज़्यादा। तो 1% कितना होता है, 30। तो इसमें 30 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी 480। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक, ये है 1% लेस, तो यानी 30 में से लेस करेंगे, किस में से, 450 में से 30 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो 420 कौन की, किसकी वैल्यू हो गई है, जी की। तो 420 हो गई जी की वैल्यू। क्लियर है, ये भी हो गया। ये 20%, 20% क्या होता है, 10% का जस्ट डबल। तो इसका डबल कर देंगे तो 600, 600 किसकी वैल्यू हो गई, ग्रे पोर्शन, ग्रे पोर्शन किसका है, सी। तो ये हो गई 600। क्लियर हो गया। अच्छा, बात करते हैं 12% की। तो 12% कितना हुआ, 10% प्लस 2%, तो 10% कितना है, 10%, तो 300 निकाला था ना, और 2% कितना होगा, 1% कितना है, 1% 30, तो 2% 60। तो 60 जोड़ देंगे किसमें, 300 में, जब मैं 60 जोड़ूंगा तो 360 हो जाएंगे। तो 360 किसकी वैल्यू आ गई है, येलो वाली की, और येलो वाला पोर्शन कौन सा है, ये। तो ये हो गई 360। ओके, अब बी की बात करते हैं, तो बी कितना है, 8%। तो 8% क्या होगा, 10% माइनस 8%, तो 10% 300, और 8% कितना हो जाएगा, 10% माइनस 2%, तो 10% हो गया 300, तो 2% हो गया 60। तो 300 माइनस 60 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 240। तो ये पूरी इंडिविजुअल मेरी सबकी वैल्यू आ गई, और आपको भी ऐसा ही करना है, और इतने ही जल्दी करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई टोटल वैल्यू उसकी, जो कंटेनर में टोटल वैल्यूज होंगी। तो इधर पे मैं टोटल वैल्यूज लिख लेता हूँ। देखिए टाइम थोड़ा सा इधर पे मैं ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहीं पे कर लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, लेकिन साइड में क्या है, तो थोड़ा उस बार पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए चीज़ें जगह मिल जाएगी, और कुछ नहीं है। दिस इज 600, दिस इज 360, 480 और 450 है, ई की वैल्यू 450 है। ओके, दिस इज 480, दिस इज 420 एंड दिस इज 300। ये हो गई सारी इंडिविजुअल टोटल वैल्यू। अब मिल्क एंड वाटर की बात करते हैं, तो दिस इज 15 यूनिट ना, तो 15 यूनिट बराबर 150, यानी कि 150। तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 8 यूनिट बराबर 80। दिस इज 80 एंड दिस इज 70। क्लियर हो गया। ये देखो, ये है 12 यूनिट, 12 यूनिट बराबर दिस, यानी कि 2। 1 यूनिट बराबर 20, 1 यूनिट बराबर अगर 20, तो 7 यूनिट बराबर 140। तो दिस इज 140 एंड दिस इज आपका कितना, 2 यूनिट था ना, तो 100। क्लियर हो गया। दिस इज 8 यूनिट, 8 से इसको कट करूंगा, तो 8 से कट करूंगा तो कितनी यूनिट आएगी, पहले 4 से कट करता हूँ, तो 2 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 150। तो 1 यूनिट बराबर 75, तो 75 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा,
और 75 का 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 75 का 3 में तो मुझे पता है बहुत जल्दी से कितना है 225, तो ये कितना आ जाएगा मेरा बचा कुचा 375। क्लियर है, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है, बस करते चले जाना है। और ठीक है, इधर पे मैं इसके थोड़े पोर्शन और डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर है, ये लास्ट में आपका एच। तो इधर तक तो हम पहुंच गए, ये हो गए। अच्छा अब बात करते हैं 9 यूनिट, 9 यूनिट बराबर दिस, तो 1 यूनिट बराबर 40, 1 यूनिट बराबर 40, तो इधर पे आ जाएगा 200 और इधर आ जाएगा 160। क्लियर है, फिर 9 यूनिट, 9 यूनिट बराबर 450, यानी कि 1 यूनिट बराबर 50, तो 1 यूनिट बराबर 50, तो इधर आएगा 250 और इधर पे आएगा आपका 200। क्लियर है, ये फिर 1200, 12 यूनिट, 12 यूनिट बराबर 480, यानी कि 1 यूनिट बराबर 40, है ना, तो 1 यूनिट बराबर 40, तो इधर पे आएगा 280 और इधर पे आएगा 200। फिर देखते हैं 7 यूनिट बराबर 420, यानी कि 1 यूनिट बराबर 60, 1 यूनिट बराबर 60, तो इधर आएगा 240 और इधर पे कितना आएगा, 60 था ना, 180। क्लियर है, इधर देखिए 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर 60, तो 60 आएगा, तो इधर पे 180 और इधर पे 120। क्लियर हो गया, ये पूरी मेरी टेबल बन गई और ये टेबल बन गई, बस अब काम खत्म हो गया, अब मुझे कोई इधर पे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, बस अब आते हैं क्वेश्चंस पे के क्वेश्चन क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिल्कमैन, और उससे पहले मुझे ये पूरी टेबल इधर पे निकालना पड़ेगी ना, मैं पूरी टेबल इधर पे क्या कर लेता हूँ, जो मैंने इधर पे बनाई है उस टेबल को इधर पे मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, और ये वाली जो चीज़ है ये मेरी 450 है, मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ये थोड़ा सा अगर बाद में प्रॉब्लम देगी नहीं तो, दिस इज़ 450। ओके, तो अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मिल्कमैन सोल्ड एक्स लीटर ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर डी, तो डी अगर हम देखें कंटेनर डी में अगर टोटल देखें तो टोटल कितना है 360। ठीक है, 360 में से उसने एक्स लीटर उसमें क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, ठीक है, यानी कि बेच दिया, एंड एडेड 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। तो इसमें अगर हम मिल्क देखें, मिल्क कितना था, मिल्क की अगर बात करें डी में तो दिस इज 200, और अगर हम बात करें किसकी वाटर की, तो वाटर कितना था इसमें 160। ठीक है, जब वो आपका 5 इसमें एक्स लीटर बेच देगा तो वो जो इसमें से कम हो जाएगा ना, 360 में से कुछ कम हो जाएगा, और फिर वो क्या करता है कि 5 लीटर इसमें मिल्क डालता है, तो अगर वो बेच देगा तो सोल्ड के बाद, आफ्टर सोल्ड उसके पास जो बचेगा मिल्क एंड वाटर इंडिविजुअल, वो कितना कितना बचेगा, देखो टोटल उसने निकाला है एक्स लीटर, एक्स लीटर निकाला है तो मिल्क कितना निकला है, मिल्क निकला है 200/360 एक्स का, इतना बचा है मिल्क। ठीक है, और वाटर कितना बचा है 160/360 एक्स पार्ट, ये इतना बचा है, तो इसको कट करूँगा तो 4 से 9 टाइम, 4 से ये जाएगा मेरा कितनी टाइम, 4 से जाएगा 5 टाइम, 4 से जाएगा 4 टाइम, 4 से जाएगा 9 टाइम, तो 5x/9, और ये वाला अगर मैं देखूँ 4x/9, तो ये वाला पोर्शन मिल्क का इतना निकलेगा एंड वाटर का इतना निकलेगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, अब जो बचेगा वो इधर पे लिखता जाऊँगा मैं, तो बचेगा कितना 200-5x/9 और 160-5x/4x/9, तो ये वाले पोर्शन दोनों में इंडिविजुअल बच गए। फिर उसके बाद क्या करता है, 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 22 लीटर ऑफ वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर सच दैट रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम इतना, तो फिर उसके बाद इसमें डाल देता है 5 लीटर और इसमें डाल देता है 22 लीटर, जिससे क्या होता है उनका रेशियो जो है वो कितना बन जाता है 11:10। तो इसका अगर मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा दोनों का तो कितना निकलेगा, देखिए 9 से मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 प्लस कितना हो जाएगा 1800 और माइनस का 5x और अपॉन में 9 आएगा, और इसका रेशियो इसके संग चाहिए तो इसके अपॉन में भी 9 आएगा, तो मैं 9 से 9 कैंसिल कर दूंगा, इसका इधर पे मल्टीप्लाई करूंगा 1440 माइनस का 4x और इधर पे कितना आएगा प्लस का 9 दुनी 18 और 9 दुनी 18 यानी कि 198 और इक्वल में जो रेशियो आएगा वो 11:10 आएगा। क्लियर नहीं हुआ, अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे मेरे एक्स की वैल्यू इधर से निकल के आने वाली है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू निकल के आने वाली है तो मैं इधर पे करने वाला हूँ क्या, इधर पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ, इधर पे क्रॉस करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 450 प्लस का, देखिए मैं प्लस कर सकता हूँ बट इसको करेंगे तो थोड़ा सरल लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 18,000 माइनस के 550x इक्वल में ये कितना होगा मेरा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे फिर इसमें कराएंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसमें मल्टीप्लाई कराता हूँ किसका 11 का, तो 0 का तो 0 ही रहता है, 4 का उतारूंगा 4, ये दोनों को प्लस करूंगा
ठीक है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो हो जाएगा 8, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 5 हो जाएगा, और फिर इसको इंडिविजुअल ऐसे उतारना है तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, 11 का 4 में होगा तो 44x, और 11 का 198 में होगा तो कितना होगा देखिए, 198 में अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 का 8 उतारना है, इन दोनों को प्लस करना है तो 7 कैरी 1, इन दोनों को प्लस करना है तो 10, एक इन दोनों को प्लस करना है तो 10, एक कैरी 1 थी तो 11। ठीक है, फिर से कैरी 1 और 1, 1 का 1 उतारना था बट 2 का, तो इधर पर कितना आ जाएगा मेरा 2 1 7 8। क्लियर हो गया, एक्स वाले पोर्शन एक साइड ले आते हैं। ठीक है, ये 50 इधर पे ले आऊंगा, ये पूरा पोर्शन इधर पे ले आऊंगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन जब इधर पे आएगा तो देखिएगा कैसे कंडीशन इधर पे बनेगी। ठीक, तो ये 50 मेरा इधर पे जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 6x, और ये वाला पूरा पोर्शन इधर जाएगा तो 1800, 18000 माइनस 15000 एंड 840, और ये भी माइनस में जाएगा तो माइनस के 200 178, और प्लस में 450 इधर पे पहले से। ठीक है, हाँ, तो इधर पे क्या देखा, 18000 में से 15000 माइनस हुआ तो 3000 बचा, 3000 में से 200 2000 और माइनस हुआ तो 1000 बचा। क्लियर है, 1000 पूरा प्रॉपर मेरा बच गया। फिर मैं क्या देखता हूँ कि 840 178 और ये एक बचा है मेरा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इधर पे माइनस में इधर पे क्या लिखूंगा, 800, 800 मैं और 100 दे दूंगा तो 900, 900 में से 400 जाएंगे तो बचेंगे 500, माइनस के 500 बचे। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, 40 और ये 50, 40 और ये 50 प्लस के हैं तो प्लस के 10, और माइनस के बचेंगे 70, माइनस के 8। क्लियर हो गया, अब देखो ये 500 इसमें से चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 500, 510। अब इसमें से ये माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 60 और माइनस का 8, और ये होगा 68, और जैसे 68 माइनस होते हैं तो बचते कितने, 32, यानी कि 6x बराबर कितने, 432। x से कट करूंगा तो 6 7 42, 6 2 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो x की वैल्यू 72 आ गई, मुझे कहाँ रखना है, मुझे वहीं पे रखना है जहाँ पे ये मुझे निकालना है वैल्यू, या मुझे आगे देखना है कि आगे क्या दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, इधर पे आगे करेंगे सॉल्व। आगे इसमें दिया है द मिल्कमैन अगेन सोल्ड x प्लस 12 लीटर। अब अगेन उसने x प्लस 12 लीटर सोल्ड कर दिया, और x प्लस 12 लीटर कितना होता है देखिए, 72 ये है और प्लस इसमें 12 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 4, और ये 84 लीटर उसने फिर से सोल्ड कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर उसने सोल्ड किया 84 लीटर टोटल फिर से, तो मिल्क कितना सोल्ड किया होगा एंड वाटर कितना सोल्ड किया होगा। ठीक है, तो जो भी सोल्ड किया होगा उसने इसी रेशियो में निकाला होगा, किस रेशियो में, इस रेशियो में। ये रेशियो कितना है मेरा, ये रेशियो है 21 का, है ना, 21 की यूनिट से निकाला होगा। तो 21 की अगर यूनिट की बात करें तो क्यों, क्योंकि अब मिल्क और जो वाटर बचा था वो इसी रेशियो में बचा था ना, तो अब जो निकलेगा जितना भी निकले, 1 लीटर निकले, 2 लीटर निकले या 10 लीटर, जितना भी निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा। तो 21 यूनिट बराबर दिस, तो 1 यूनिट बराबर वॉट, 1 यूनिट बराबर 4। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 44, और 10 यूनिट बराबर 40। तो वाटर मिल्क निकला हुआ इतना एंड वाटर निकला हुआ इतना, तो इधर पे देख लेते हैं हम कि इधर पे आया कितना है। इधर देखिए 72x की वैल्यू 9 से कटा 8 टाइम, तो 5 8 से कितने हो गए मेरे 40, है ना, 5 8 से 40 हो गए, 40 में से 5 जाएगा मेरा, बचेगा कितना 35, तो ये हो गया मेरा 35, इसमें से लेस यानी 165। क्लियर हो गया, इधर पे 72 रखूंगा तो 8 टाइम 8 4 32, ये 32 हो गया, ये इसमें से लेस करेंगे तो माइनस का 10, और माइनस का 10 इसमें से जाएगा तो 150। अब देखो इसमें से मैंने निकाला है 44, तो अब जो मिल्क बचा है वो कितना बचा है, वाटर बचा है वो कितना बचा है, इसमें से 44 मैं निकाल दूंगा, तो सबसे पहले 40 निकालूंगा ना इसमें से, तो जैसे ही 40 निकालूंगा तो बचेगा कितना 125, और 4 और माइनस करूंगा तो 121। क्लियर है, तो वाटर कितना बचेगा, वाटर में से मुझे 40 निकालना है तो बचेगा 110। क्लियर है, तो ये हो गया, ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर डी एंड एडेड 4 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ वाटर। तो इधर पे 4 लीटर ऑफ प्योर मिल्क मिला दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही 4 ऐड करूंगा तो 125, और इधर पे जैसे ही 10 लीटर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, और रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो डिफरेंस है 5 लीटर। तो बस यही क्वेश्चन का था पूरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा इसमें आंसर आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे के, आगे क्या क्वेश्चन है, किस तरह से उसको डील करना है। ठीक, देखिए द मिल्कमैन सोल्ड 180 लीटर मिक्सचर फ्रॉम ई, तो ई में से कितना 180 लीटर उसने क्या कर दिया, 180 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम ई, तो ई में से उसने इतना लीटर बेच दिया। टोटल कितना था इसके पास, टोटल है इसके पास 450 लीटर, जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, एंड 240 लीटर मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर सी, और सी में से कितना वो सोल्ड कर रहा है, सी में से सोल्ड कर रहा है 240।
जबकि सी में अगर मैं देखूँ तो कितना है 600, ये मेरे इनिशियल क्वांटिटी इनके पास है। ही देन मिक्सड रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ कंटेनर ई विद द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ कंटेनर सी। ही देन एडेड 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 5 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो सबसे पहले अगर मैं इधर से बेच रहा हूँ, अगर मैं 180 इधर पे से निकाल रहा हूँ, अगर बेचने का मतलब क्या है 180 में से निकाल रहा हूँ मैं, तो अगर मैं 180 में से निकालूंगा तो मेरे पास जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो निकलेगा है ना, वो किस रेशियो में निकलेगा। तो देखो 180 की अगर मैं बात करूँ इधर पे, तो ई में देखते हैं पोर्शन कितना है इनका, जो रेशियो है ई में रेशियो कितना है इनका, स्टार्टिंग में जो इनिशियली इनका जो रेशियो है वो कितना है, इधर पे देखो 250 और 200, ये है आपका 0 से 0, 5 से 5 टाइम, 5 से 4 टाइम, इनका है 5:4। अब 180 जो निकलेगा वो 5:4 के उसमें निकलेगा, यानी कि 9 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर 20, ठीक है, 9 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी मिल्क कितना निकल गया 100 और वाटर कितना निकल गया इधर पे, जब ये 100 निकला तो ये 80 निकला होगा, क्लियर है। जब ये इतना निकल चुका है तो अब बचा कितना है, तो देखो इनिशियली मिल्क एंड वाटर कितना था, इनिशियली अगर मैं इसमें मिल्क एंड वाटर की बात करूँ तो वो इतना और इतना था, यानी कि 250 और 200, जिसमें से इसमें से 100 निकल चुका है तो बचा है ये 150, और इसमें से 80 निकल चुका है तो ये बचा है 120, क्लियर, समझ में आया। कुछ ऐसी कहानी बनेगी इसमें, ठीक है, ऐसी कहानी अगर इसमें बनेगी तो देखते हैं, 180 लीटर इसमें से 240 लीटर निकल रहा है, अगर इसमें हम रेशियो की बात करें तो कितना 75 से 5 टाइम कटेगा और 75 से ये 3 टाइम कटेगा, तो ये रेशियो आ रहा है इनका, और इतनी यूनिट के हिसाब से इनने इतना निकाल लिया, तो मिल्क एंड वाटर जो निकल चुका वो आएगा मेरा इधर पे, वो कितना कितना निकल चुका है वो देखते हैं, 8 यूनिट बराबर 240, तो 1 यूनिट बराबर 30, तो 30 रखेंगे इधर पे 5 यूनिट में तो ये हो जाएगा 150, और 30 रखेंगे इधर तो ये हो जाएगा 90, यानी इतना इतना निकल चुका है। तो इनिशियली देख लेते हैं मिल्क एंड वाटर था कितना 600 में, तो मिल्क एंड वाटर की अगर बात करें 600 में तो ये था 375 और ये था मेरा 225, क्लियर है। अब इसमें से 150 माइनस कर दिया तो इधर पे 150 जैसे ही लेस करेंगे तो वो आ जाएगा, और 225 में से 90 लेस करेंगे तो हमारा वाटर आ जाएगा जो इसमें बचा है। तो 150 लेस करने के लिए सबसे पहले 100 लेस करेंगे, तो 100 लेस करेंगे बचेगा 275, और 50 लेस करेंगे तो बचेगा 275 में से जैसे ही 50 लेस करेंगे तो कितना 225, क्लियर है। ऐसे इसमें से लेस करना है, इसमें से 90 लेस करना है, तो 100 लेस कर देते हैं पहले तो बचेगा 125 है ना, हमने 10 ज़्यादा लेस किया है तो उसे दे देंगे तो बचेगा कितना 135, क्लियर हो गया, कर सकते हो आप, 225 में से 90 लेस करना है, ठीक है, ये बचेगा 5, ये 12 माइनस है 3 और ये 1, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या चीज़ें देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, इधर तक हो गया, इधर देखते हैं। ही देन मिक्स द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ द कंटेनर ई विद द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ कंटेनर ई। ये कंटेनर बी को इसके संग मिला देता है, तो मिल्क मिलेगा मिल्क के अंदर, तो अब जो बनेगा वो एक टोटल मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, तो मिल्क के साथ मिल्क चला जाएगा, तो इसमें इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 375, तो ये तो हो गया मिल्क, ठीक है, वाटर के संग वाटर चला जाएगा तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर की अगर बात करते हैं 135 में 100 देंगे तो 235 और 20 दे देंगे तो 255, ये हो गया वाटर, ये हो गया मिल्क, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ही देन एडिट 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 5 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर। तो 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क डाल दूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 380, 5 लीटर ऑफ प्योर वाटर डाल दूंगा ये हो जाएगा 260, ठीक है, ऑफ द मिक्सचर। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो रेशियो निकालना है इसका, जो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 19 टाइम, 2 से कटेगा 13 टाइम, तो ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, कौन सा ऑप्शन देख रहा हूँ, बी, तो ये बी मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ, अमाउंट ऑफ मिल्क इन कंटेनर के इज एवरेज ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क इन कंटेनर ए एंड बी एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन कंटेनर के इज 20% लेस, 20% लेस देन द एवरेज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर ए एंड बी। तो देखो क्या है, अमाउंट ऑफ मिल्क इन कंटेनर के, तो के की कहीं बात नहीं की थी, तो के निकलेगा कैसे, वो निकलेगा ए और बी में जो मिल्क एंड वाटर है ना, जो मिल्क है, तो सबसे पहले क्या निकालना है कि अमाउंट जो है के में मिल्क का वो कितना है। सबसे पहले मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क कितना है इसमें, ए और बी में जो मिल्क है ना उसका एवरेज, तो ए में मिल्क कितना है 80 और बी में मिल्क कितना है 140, तो इसका एवरेज कितना होगा, 2 से कटेगा तो 40 टाइम, 2 से कटेगा 70 टाइम, यानी 110, तो मिल्क हो गया इसमें 110। अगर वाटर की बात करें तो वाटर कितना है, वाटर है इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर के इज 20% लेस देन द एवरेज ऑफ द
ए एंड बी, तो ए एंड बी में जो वाटर है ना उसके 20% लेस है, तो ए और बी का जो एवरेज होगा 170 का एवरेज कितना होगा, या तो ये 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 50 हो जाएगा, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 85, और 85 से 20% लेस, तो 85 से 20% अगर मैं लेस कर दूंगा तो 80% से मल्टीप्लाई कराऊंगा, है ना, और परसेंटेज जैसे ही हटाऊंगा जीरो हटेगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक। 5 से कटेगा 70 टाइम, 5 से 2 टाइम, और 2 से ये 4 टाइम, यानी कि 68। तो वाटर कितना हो गया 68 लीटर, और ये हो गया आपका 110 लीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अमाउंट ऑफ मिल्क इस कंटेनर के इज अप्रोक्सीमेटली, अमाउंट ऑफ मिल्क इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन के। तो देखो जो मिल्क है वो इससे वाटर से कितना परसेंट ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं 2 से अगर कट करूँ तो बचेगा 55, और 2 से इसे कट करूंगा तो 34, ठीक है। 34 से ये कितना ज्यादा है, 34 से मुझे ज्यादा दिख रहा है 1 और 2, 21 ज्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, 34 से ज्यादा है, और मुझे निकालना है अप्रोक्सीमेटली, तो मैं से 35 क्यों ना ले लूँ, तो 7 से कटेगा कितनी टाइम, 7 से 3 टाइम, और 7 से 5 टाइम, तो 3/5 कितना होता है, 3/5 होता है 60%, ठीक है 60%। लेकिन मेरा जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा सा कैसा आएगा, वो इससे थोड़ा सा कम आएगा या ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी नीचे जो संख्या है वो मैंने बढ़ाई है, मैंने 21/35 किया, जबकि ये थी कि 21/34, यानी ये थी। अब मैं छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या, छोटी संख्या से भाग देता हूँ कंपैरिजन टू बड़ी संख्या की, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, बड़ा आता है, यानी कि दिस वैल्यूज इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो यानी कि जो मेरा आंसर आया है उससे थोड़ा सा बढ़ के आंसर आएगा, तो बढ़ के आंसर मैं देख रहा हूँ कहाँ, ऑप्शन नंबर ई में, तो ऑप्शन नंबर ई मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, ओके दिस इज द क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग क्वांटिटीज। क्वांटिटी 1 देखते हैं, द मिल्कमैन सोल्ड 60 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर एफ, तो एफ में देखते हैं सबसे पहले है कितना मिल्क एंड वाटर, तो एफ में मिल्क एंड वाटर कितना है 480, ठीक है 480 तो टोटल है, और इसने 60 लीटर अगर बेच दिया, तो 60 लीटर अगर ये बेच देगा, 60 लीटर अगर ये बेच देगा तो कितना यूनिट मिल्क निकल जाएगा और कितना यूनिट वाटर निकल जाएगा वो मुझे बताना है। तो 60 लीटर में अगर मैं एफ में बात करूं तो इनका जो रेशियो है वो कितना है, 0 से 0 जाएगा, 4 से 7 टाइम, और 4 से ये 5 टाइम, तो रेशियो जो है इनका 7:12, 7:5, यानी कि 12 यूनिट, 12 यूनिट इक्वल्स टू 60, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5, तो 5, 7 यूनिट बराबर 35, मिल्क निकल जाएगा 35 और ये निकल जाएगा 25, क्लियर है, वाटर 25 निकल जाएगा। तो इनिशियली कितना था मिल्क एंड वाटर, इनिशियली अगर मैं बात करूँ मिल्क एंड वाटर एफ में कितना था, 280 और 200, 280 था और 200 था, तो अब बचा कितना इसमें, अब बचा कितना 35, इसमें से लेस करूंगा मैं, तो सबसे पहले 30 हटाऊंगा तो बचेगा 250, और 5 और हटाऊंगा तो बचेगा कितना 245, ठीक है, इसमें से हटाना है 25, तो ये बचेगा एग्जैक्टली 175, तो इतना अभी रिमेनिंग है, ठीक। आगे क्या है, एंड एडेड 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 15 लीटर ऑफ वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर, तो 5 लीटर जैसे ही हम इसमें प्योर मिल्क ऐड करेंगे तो देखो मिल्क की लाइन ये चल रही, तो ये हो जाएगा 250, और 15 लीटर ऑफ प्योर वाटर, तो 15 लीटर जैसे इसमें वाटर डालेंगे तो हो जाएगा 190, क्लियर है। तो बताना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर ऑफ कंटेनर एफ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, इसमें 10 दे दूंगा तो 200, और 50 और दे दूंगा तो 60 और दे दूंगा तो सॉरी 10 दे दूंगा तो 200, 50 और दे दूंगा 225, यानी इसमें मैं 60 दे रहा हूँ, तो मेरा बनना ये, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 60, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई मेरी 60। अच्छा बात करते हैं दूसरी Q2 की, द मिल्कमैन सोल्ड 56 लीटर ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द जी, तो जी में टोटल अगर मैं देखूं तो कितना है, जी में है 420, और मिल्क एंड वाटर इसमें इनिशियली है कितना, इनिशियली निकाल लेते हैं पहले, इनिशियली है 240 और वाटर कितना है मेरा 180, ठीक है। अब उसने क्या किया, 56 है ना, हाँ 56 लीटर उसने बेच दिया, अब 56 लीटर अगर वो बेचेगा तो मिल्क एंड वाटर कितना कितना रेशियो में बेचा है उसने, मतलब कितना इसमें से लेस हो जाएगा वो निकालना है सबसे पहले। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 से जाएगा 6 बार, 6 से जाएगा 3 बार, यानी कि 56 अगर गया है तो 7 यूनिट बराबर 56 गया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना गया है 8 लीटर ना, तो 4 यूनिट बराबर 32 गया है, और 3 यूनिट बराबर 24 गया है, ठीक है। तो 32 इसमें से लेस कर दूंगा तो बचेगा कितना 208, और 24 इसमें से लेस कर दूंगा, तो पहले 20 लेस करता हूँ तो 160, और 4 लेस करूंगा तो 156, क्लियर है। ये वाली चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। देन आगे क्या देखते हैं, एडिट 22 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क एंड 14 लीटर ऑफ द प्योर वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर, तो 22 जैसे इसमें ऐड करूंगा तो पहले 2 कर दूंगा तो 210 हो जाएगा, फिर 20 230 हो जाएगा, ठीक है।
और वाटर कितना ऐड करना है, वाटर ऐड करना है 14 लीटर, तो पहले 4 करूँगा तो 60 और 10 और करूँगा तो 170, ठीक है। तो ये हो गया मेरे इतने हो गए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द प्योर मिल्क एंड द अमाउंट ऑफ द वाटर फाइनल मिक्सचर ऑफ द घी, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें 30 दूंगा तो 200 बन जाएगा, एक बार और 30 दूंगा तो 230, तो इसकी भी 60 आ रही, तो यानी Q2 भी कितना आ गया मेरा 60। तो मैं क्या देख रहा हूँ, Q1 इज इक्वल टू Q2, तो मेरी Q1 और Q2 जो क्वांटिटी दोनों आ रही है वो कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। और अगर इक्वल आ रही है तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर कौन सा पिक करूंगा, ऑप्शन नंबर ई जो कि इधर पे गिवन है मुझे, क्लियर है। तो आई होप आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ना, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में मैंने हमेशा आपको बताया कि क्या करना होता है, जस्ट ये देखना होता है कि मैं जो ऊपर ये हाईलाइटेड पोर्शन है उसको जो फाइंड करना है उसमें मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूँ, किस स्टेटमेंट के जरिए पहुंच सकता हूँ, बस काम मेरा खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर ये वाली चीज आपको समझ में आई है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। देखो पहला क्या, देखो निकालना क्या है, पहले ये देखो अमाउंट ऑफ द मिल्क इन कंटेनर एम इज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क इन कंटेनर सी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मिल्क सी में, तो अमाउंट मुझे पता है मिल्क का कितना है 375, यानी कि जो एम में जो मिल्क होगा, यानी कि एम का मिल्क, एम मिल्क अपॉन में सी मिल्क, और सी का मिल्क कितना है 375 × 100। मुझे एम का मिल्क चाहिए किसी भी तरह किसी भी हालत में, मैं कौन से उससे निकाल सकता हूँ, ठीक है। बस सॉल्व नहीं करना है, जस्ट समझना कहानी क्या कहती है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर एम इज 20% मोर देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर एच। तो एच में जो टोटल क्वांटिटी है ना उसका अगर मैं 20% हाई कर दूंगा, यानी कि इंक्रीज कर दूंगा, तो मुझे एम की टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी, लेकिन मुझे एम का रेशियो तो रिस्पेक्टिव नहीं पता है मिल्क एंड वाटर का, तो मैं मिल्क तक तो पहुंच पाऊंगा क्या, नहीं। मैं टोटल क्वांटिटी पहुंच जाऊंगा बट मिल्क की इनिशियल, मिल्क की जो मुझे जो मिल्क की इंडिविजुअल क्वांटिटी चाहिए ना इधर पे, वो नहीं मिल पाएगी, यानी अकेला तो ये वाला संभव नहीं है। दूसरा देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर एम इज 10 मोर देन द, मतलब जो मिल्क एंड वाटर का जो इधर पे डिफरेंस होगा किसमें, एम में, अगर मैं एम में मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस निकालूं, मिल्क एंड वाटर का, वो क्या होगा, वो होगा आपका 10 मोर देन द कंटेनर डी, 10 मोर देन दैट ऑफ द कंटेनर डी, यानी कि डी में जो आपकी डिफरेंस होगा उससे 10 ज्यादा होगा। अब आप मुझे बताइए इधर पे मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस मैं निकाल के करूंगा भी क्या, ठीक है। इधर से सिर्फ मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस ही तो आ पाएगा, जो भी आएगा संख्या में आ जाएगा मेरा, बट मैं तब भी मिल्क एंड वाटर अकेला तो नहीं निकाल सकता हूँ ना, तो यानी कि दूसरा वाला भी मैं संभव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो ऊपर से मेरे पास क्या आ गया था, टोटल, यानी कि मिल्क प्लस वाटर आ गया था ना मेरे पास, मिल्क प्लस वाटर, तो दो इक्वेशन आ गई, एक मिल्क एंड वाटर, एक मिल्क एंड वाटर, एक प्लस में एक माइनस में। इधर क्या है, एज्यूम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो दिस माइनस दिस होगा, तो एक प्लस में इक्वेशन आ गई, एक माइनस में इक्वेशन आ गई, और इसे सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है, ये तो आप करते आ रहे होंगे। तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे दोनों क्वांटिटी की, यानी कि दोनों स्टेटमेंट की जरूरत होगी, तब मैं आंसर निकाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं आंसर नहीं निकाल सकता हूँ। तो मुझे कौन सी चाहिए, दोनों, बोथ, बोथ आर रिक्वायर्ड, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नीडेड टू द आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और आप हालांकि दोनों का यूज करके आंसर निकाल भी सकते हैं, बट इतना टाइम उसमें देना ही नहीं है फालतू का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सरल होता है, बहुत जल्दी होता है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसे करा मैंने और कैसे आपको इसको ये अप्रोच लगी। देखिए मैं रियल एग्जाम पे हमेशा टारगेटेड रहता हूँ, जो कि अप्रोच रहती है मेरी रियल एग्जाम वाली रहती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या सेशन लाते हैं, जब तक के लिए बाय, कमेंट करिए ज़रूर और बताइए जो भी आपके डाउट हो, ठीक है।